Dear student, good morning everyone. Class 8 student, be careful and watch the video carefully. Okay, today I am going to take the class of class 8. Class 8, we have to know about the countable and the uncountable noun. Okay, आज हम लोगों को countable और uncountable noun के बारे में पढ़ना है. ठीक है, ध्यान से देखेंगे आपको. देखिए, countable, uncountable. ठीक है, countable means क्या पता है? गणनीय संख्या, जिसे हम गिन सकते हैं. और uncountable means क्या मतलब है? अगणनीय संख्या, जिसे हम नहीं गिन सकते. क्लियर? Countable means गणनीय संख्या, uncountable means अगणनीय संख्या. तो definition क्या होता है? ध्यान से देखिए, फिर मैं बताऊंगी कि क्या किसको किसको गिन सकते हैं, किसे नहीं गिन सकते हैं. देखिए, countable noun का definition क्या होता है? Countable noun can be counted. ऐसे लिख सकते हैं, countable noun can be counted, यानी कि countable noun को गिना जा सकता है. countable noun को गिना जा सकता है. जैसे example में कहा जाए तो क्या होगा? mango. मैंगो को आप गिन सकते हो ना? मैंगो. अगर हम ऐसे लिखे, फाइव मैंगोज को हम नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं. यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लिखे वन हंड्रेड मैंगोज, यानी कि 100, गिन सकते हैं ना? यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं, जिसको भी हम गिन सकते हैं वो countable होगा, और जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वो uncountable होगा. uncountable को क्या define हो जाएगा बच्चों? same to same ही, बस not लगाएंगे क्या आप? पहले यहाँ पे लिखेंगे uncountable noun can not be counted. Uncountable noun cannot be counted, यानी कि uncountable noun को हम नहीं गिन सकते. जैसे देखिए example, क्या आप राइस को गिन सकते हैं? राइस मीन्स होता है चावल. क्या आप चावल को गिन सकते हैं? नहीं ना. नेक्स्ट वाटर, बताइए वाटर को आप गिन लेंगे? नहीं. मिल्क, दूध को? नहीं ना. तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि राइस, वाटर, मिल्क, ऐसे जो भी होगा,